ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में हुई विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने की नसीहत दी थी। हालांकि उनके अपने पिता की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। मुलायम सिंह ने अखिलेश से कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन किया और यूपी में से 400 में से 100 से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी। विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो मुलायम सिंह की बात सच साबित हुई। बीजेपी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि अखिलेश यादव ने तब तक सबक सीखा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा को मिटा देती। इसके बाद उन्होंने 2017 की तुलना में कई ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2022 में कांग्रेस को किनारा कर लिया। दरअसल कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव की चिड़की पीछे 2017 के चुनाव में मिली सबक है। फिलहाल हालात ऐसे हो गए हैं कि सपा में कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अगर कांग्रेस और सपा में नहीं बनी तो अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही सीट कांग्रेस परिवार की परपांगत सीट रही है। कांग्रेस के इन गढ़ों में उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। हालांकि इसके बावजूद 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कारण असहज हो रहे हैं। उन्होंने सपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हैं। उन्होंने हाल ही में सवाल किया था कि सपा यूपी में इतनी मजबूत थी तो पिछले साल आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव कैसे हार गई। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनका आजमगढ़ से भावनात्मक रिश्ता है, जैसे कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली से है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में सपा के प्रति कम उदार दिखी है। उसने सपा के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्य के चुनावों में कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के गठन के समय ही यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। अखिलेश यादव कांग्रेस के इस कदम से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने 2024 में कांग्रेस को उसी कीमत पर जवाब देने का वादा किया है।